हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि धुंध के अंदर गाड़ी कैसे चलाते हैं। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लेट है, सर्दियां तो चली गई हैं बट फिर भी अभी धुंध जैसे पड़ रही है तो मेरे को लगा कि ये सही टाइम है वीडियो लेके आने का, आगे सर्दियों में काम आएगा आपके। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं धुंध के अंदर गाड़ी चलाता हूँ मैं वही सेम तरीका आपको बताऊँगा, और इस तरीके को फॉलो करते हुए आज तक भगवान की दया से कभी मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आप डबल लेन रोड पे चल रहे हैं, जैसे अभी ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये डबल लेन रोड है, ये वाली जो साइड है ये अपना इस साइड में अपना जाने के लिए, दूसरी साइड में जो है वो आने के लिए। तो अगर आप इस तरह के रोड पर चला रहे हो तो ये जो रोड के बीच में जो पट्टी है इस पट्टी के ऊपर आप गाड़ी चलाइए, क्योंकि अगर धुंध में अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी बड़ी गाड़ी अगर ख़राब हो रही हुई खड़ी होगी तो बहुत ही कम चांस है कि वो रोड के बीच में खड़ी होगी। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो रोड के या तो इस साइड खड़ी होती है या रोड के उस साइड खड़ी होती है। तो आप इस पट्टी के ऊपर बिल्कुल बीच में आप गाड़ी चलाइए, और गाड़ी की स्पीड आप ज़्यादा मत रखिए, कम रखिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपकी रोड के किसी भी साइड में ख़राब हो और वो चीज़ एकदम आपके सामने आ जाए तो आपको फिर गाड़ी को रोकने का टाइम मिल जाता है। अगर गाड़ी ज़्यादा भाग रही होगी तो उसके अंदर फिर आपको रोकने का टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी में फोग लैंप है तो उनको आप एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे अल्ट्रोज के अंदर फोग लैंप हैं, मैंने अभी एक्टिवेट नहीं कर रखे हैं, मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो फोग लैंप से क्या होता है, फोग लैंप एक सजावटी चीज़ नहीं है। फोग लैंप से क्या है कि आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो बीम पैटर्न में काम करती हैं, यानी उसमें गाड़ी की हेडलाइट की बीम बनती है बिल्कुल सामने, लेकिन फोग लैंप में बीम नहीं बनती। फोग लैंप में जो लाइट है वो छितराती है चारों तरफ, तो उससे गाड़ी का जो साइड का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छे से आपको विजिबल हो जाता है। और अगला जो काम आपको करना है, आप गाड़ी को लो बीम में चलाइए, हाई बीम में गाड़ी मत चलाइए। हाई बीम में गाड़ी चलाने का क्या नुकसान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी सी धुंध चली गई है, देखिए हाई बीम में अगर आप गाड़ी चलाएँगे तो ऐसे आपके सामने एक दीवार सी बन जाएगी। हाई बीम में आपको सामने बहुत ही कम दिखेगा, बहुत ही कम विजिबिलिटी रह जाती है, जबकि लो बीम में आपकी जो है गाड़ी की विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो लो बीम में गाड़ी चलाइए हमेशा, और हो सके तो आप गाड़ी के हैजर्ड लैंप ऑन कर दीजिए, लेकिन अगर आप कहीं पर मुड़ने वाले हों तो आप हैजर्ड लैंप ऑफ करके उसके बाद फिर आप जो है अपना टर्न इंडिकेटर दीजिएगा, क्योंकि जब हैजर्ड लैंप ऑन हो जाते हैं तो आपका जो टर्न इंडिकेटर है वो काम नहीं करता, तो आपकी पीछे वाली गाड़ी को पता नहीं चलता कि आपको किस साइड मुड़ना है। अभी देखिए, जैसे ये बिल्कुल गहरी धुंध है, इसके अंदर अब अगर आप बिल्कुल हाई बीम अगर आप चलाएंगे तो देखिए सामने रोड पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप लो बीम कर देंगे तो जो दीवार सी थी वो दीवार सी आपकी चली जाएगी। और अगर आपकी लो बीम में लेवलर लगा हुआ है तो उसको भी आप बिल्कुल लोएस्ट पोजिशन पर कर दीजिए, जिससे कि जो आपकी गाड़ी की लाइटें हैं वो बिल्कुल सामने ही पड़ें, वो बिल्कुल सीधे ही दिशा में ना जाएं। ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। अभी यहाँ पे धुंध थोड़ी सी चली गई है। तो इस तरीके से, तो अगर आप डबल लेन रोड के ऊपर चल रहे हैं, फोर लेन रोड पे चल रहे हैं तो उस पर कैसे गाड़ी चलानी है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप सिंगल लेन रोड पे चल रहे हैं तब आपको कैसे गाड़ी चलानी है वो भी आपको बता देता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि ये जो रोड है ये सिंगल लेन है, तो सिंगल लेन में आपको इस साइड से भी गाड़ियाँ आती हैं और यही साइड होती है आपकी गाड़ी चलाने की, आप बिल्कुल रोड के बीच में नहीं चल सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए ये जो ये साइड की पट्टी है, इस पट्टी को देखते हुए बिल्कुल इसी साइड में आपको गाड़ी चलानी है, और बहुत ही कम स्पीड में, बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि सिंगल लेन रोड के ऊपर अगर कोई गाड़ी ख़राब होगी तो वो बिल्कुल आपके सामने ही होगी, वो इधर उधर ख़राब नहीं खड़ी होगी, तो उसमें फिर जो है टक्कर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो वही लो बीम करके चलिए, है अगर आपकी गाड़ी में फोग लैंप है तो फोग लैंप को एक्टिवेट करके रखिए, हैजर्ड लाइट को आप ऑन कर दीजिए, और बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से रोड के ऊपर निगाहें जमा के आप गाड़ी चलाइए। अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी रोक के और रोड का थोड़ा सा इंस्पेक्शन करना है तो आप वो भी कर लीजिए, गाड़ी को बिल्कुल एक्सट्रीम आप राइट में रोक लीजिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा आप बाहर निकल के और आप चेक कर लीजिए रोड को, और उसके बाद फिर आप दोबारा से अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई लोग क्या है कि
एक बड़ी गाड़ी के पीछे लाइन बना लेते हैं और उसके पीछे चलते रहते हैं। दोस्तों ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाली गाड़ी जब ब्रेक लगाएगी और जब तक आपको दिखेगा कि उस गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है और ऐसे गाड़ियाँ एक दूसरे में भिड़ती चली जाती हैं। तो कभी भी किसी भी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी मत लगाइए और दोनों गाड़ियों के बीच में एक अच्छा सा गैप आप मेंटेन करके चलिए, ताकि अगर सामने वाला गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आपको ब्रेक लगाने का टाइम मिल जाए। कभी भी लाइन लगा के मत चलिए, किसी गाड़ी के पीछे तो बिल्कुल भी मत चलिए। अपनी ड्राइविंग पे भरोसा रखिए, सामने वाले की ड्राइविंग पे भरोसा कभी भी मत करना। और ओवरटेक दोस्तों कभी भी मत करना, भूल के भी मत करना। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप ओवरटेक करना, क्योंकि डबल लेन रोड के अंदर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सामने से इनकम ऑनकमिंग जो व्हीकल हैं उनकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल लेन रोड पे चल रहे हैं तो फिर आपको सामने से गाड़ियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और धुंध के अंदर ओवरटेक करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप गाड़ी ओवरटेक मत कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ धुंध में गाड़ी चलाते टाइम, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे वो सुबह का टाइम हो। रात का टाइम एक्चुअली और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, सुबह के टाइम में तो फिर भी आपको चारों तरफ से सूरज जो भी है दिन की रोशनी आपको मिल जाती है और आपके आसपास का जो एरिया है थोड़ा सा दिखने लगता है अच्छे से, लेकिन रात के टाइम में आपको कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट के सहारे आपको चलना पड़ता है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट और रोड के सहारे जो ये पट्टियाँ हैं इन पट्टियों के सहारे आपको चलना पड़ता है। तो अगर इससे बेटर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं एक अपडेट उसके ऊपर मैं लेके आ सकूं। तो दोस्तों ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, आराम से गाड़ी चलाइए और सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।